2025 के चुनाव में जाएंगे कहीं के नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, ये सत्ता से बाहर होंगे और भाजपा खुद सरकार बनाएगी। आज के दिन में गेंद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, वो 65% आरक्षण को चाहें तो कल ही बचा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कल ही खत्म भी करवा सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने क्या गुनाह? अभी तो 10 से 12 फाइल तो मैं जानता हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ विजय ध्वज का, बता दे रहे हैं 25 साल से। पूरे देश के 120 करोड़ जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, 120 करोड़ भारत में, वो सब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ध्यान लगाए हुए कि ये लोग करता क्या है। लालू यादव जी को हटाने के लिए हटा ना दिए, सुकनी जोड़ी से पूछ लीजिए कभी मौका मिलेगा तो, हटा दिए कह के। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज, मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। आज 25 अगस्त है और आज ही के दिन मंडल मसीहा बीपी मंडल का जन्म हुआ था। इस खास मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में कई कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ा कार्यक्रम जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में हो रहा है। हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नेपथ्य के नायक पुस्तक खंड 2 का विमोचन किया गया और सांसद सुदामा प्रसाद, पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर के अलावा समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने इस पुस्तक का विमोचन किया। लेकिन इसके साथ ही हम आपको बता दें कि बिहार में विस्तारित आरक्षण पर कोर्ट की रोक का संवैधानिक उपचार विषय पर एक गोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसे समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने संबोधित किया। हम आपको इन लोगों की बातें सुनाते हैं कि इनका क्या कहना था, किस तरह कोर्ट बीपी मंडल के सपनों को कुचलने का काम कर रही है। यही नहीं, कई वक्ताओं ने ये तक कहा कि न्यायपालिका नहीं निर्णायक पालिका का काम कोर्ट कर रही है। तो हम आपको लगातार लोगों को सुना रहे हैं, समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को सुना रहे हैं, ओबीसी दलित पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों को सुना रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग को। हमारे साथ अरुण कुशवाहा जी हैं, पटना हाई कोर्ट में वकील हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप लोग आज जो बीपी मंडल जी के जन्म दिन के मौके पर आरक्षण पर बातें कर रहे हैं, तो आरक्षण में यही यहाँ पे जो विषय है कि कोर्ट जो रोक लगाई है उसका संवैधानिक उपचार कैसे करें, अजय वकील आपने क्या सलाह दिया है? देखिए, आज का जो बीपी मंडल जी के जयंती पर हम लोग जमा हुए और सबसे बड़ी जो बात हुई इसमें, वो ये देखने को मिला कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अत्यंत पिछड़े वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी, सारे समाज के लोग यहाँ उपस्थित हुए, तो ये एक चट्टानी एकता जो दिखाई पड़ा, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोग के लिए। और हम लोगों ने सजेस्ट किया कि जो 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था, वो विधायिका का काम है, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनी हुई सरकार ने बनाया था, और जो ख़त्म किया है हाई कोर्ट या अब सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ पर पूरी दुनिया जानती है, भारत का संविधान कहता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पर लोकतंत्र है, जनता का राज है, यहाँ पर जज तंत्र नहीं है, जजोक्रेसी नहीं है, डेमोक्रेसी है। तो जजोक्रेसी रहता तो जज जो कह दिया वो फाइनल हो जाता, वही मानना पड़ता देश के लोगों को। लेकिन संविधान का प्रियम्बुल ही कहता है कि इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता का राज है, तो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जो है असेंबली में है और लोकसभा में है। तो ये पहली बार नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऐसा जजमेंट दिया है जो लोकतंत्र के खिलाफ हुआ है, एससी एसटी एमबीसी ओबीसी माइनॉरिटी के खिलाफ गया है, तो उसको पार्लियामेंट ने कानून बना करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया है। अपने उदाहरण के लिए आपको बता दें कि साहबानो का केस हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मुस्लिम वोमेन को भी मेंटेनेंस मिलेगा, तो उसके खिलाफ पर्सनल लॉ के खिलाफ हुआ था, तो वो 1986 में राजीव गांधी थे उस समय, उन्होंने फिर मुस्लिम जजेज मुस्लिम वोमेन प्रोटेक्शन एक्ट ला करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निरस्त किया साहबानों के केस में। उसी प्रकार से
SC ST के एक्ट को कमज़ोर किया गया था जजों के द्वारा, तो उसके खिलाफ़ भी हंगामा हुआ पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट ने कानून बना करके उसको निरस्त किया। प्रमोशन में रिजर्वेशन ख़त्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने SC ST का, उसको भी निरस्त किया। तो पार्लियामेंट इज सुप्रीमो इन अकॉर्डेंस विथ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट ही बड़ा, ये लोकतंत्र में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो इस जजमेंट को भी बहुत आसानी से, अगर नीतीश कुमार चाह लें, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, तमिलनाडु कह रहे हैं, वहाँ के चंद्रबाबू नायडू जो हैं, ये दो व्यक्ति ही अगर कह दें कि इसको जो है आप पार्लियामेंट से पारित करके नौवीं सूची में अंकित कर दीजिए, तो आसानी से हो सकता है। तो अब ये टोटल बॉल जो है इन्हीं के हाथ में है, नीतीश कुमार के हाथ में है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के पाले में है। अब देखना ये होगा कि ये गेंद को उछालते हैं या नहीं, या यूं ही टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। ये बात है ना सर? बिल्कुल यही बात है। ये चाहें तो ये पास करा सकते हैं, इलाज है। पूरी देश की जनता, पूरे देश के 120 करोड़ जो अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं 120 करोड़ भारत में, वो सब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर ध्यान लगाए हुए कि ये लोग करता क्या है। अगर ये आरक्षण को बढ़ा हुआ, आरक्षण को बचाने के लिए पार्लियामेंट पर दबाव बनाया, तब तो माना जाएगा कि ये ST ST OBC और माइनॉरिटी के हक में सोचता है। अगर नहीं किया कुछ तो पूरे देश में ये विलेन हो जाएंगे और आने वाला चुनाव में बड़ा बुरा हाल होगा इन लोगों का। और एक इन लोगों के खिलाफ भी जो समाज के वफादार नेता होंगे उनके पक्ष में पूरा जनता खड़ा होगी, और जो समाज के गद्दार नेता होंगे उनके पक्ष में भी जनता हमारी जो है खड़ा होकर के देख रही है, वो उनको भी सबक सिखाएगी। तो समाज के गद्दारों और वफादारों के बीच जंग होगा अगला बार। बिल्कुल। और अब हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजकिशोर सिंह हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आप लोग आज आरक्षण का जो विस्तार हुआ था, जो कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, अब आप लोग संवैधानिक उसका हल जो उपचार ढूंढ रहे हैं, तो क्या कुछ उपचार आपने ढूंढा आज? सबसे पहले तो 105वीं जयंती मंडल साहब का मनाई जा रही थी बीपी मंडल जी का, और बीपी मंडल जी ने जो आरक्षण पर काम किया था, जो लोकतांत्रिक तरीके से समाज को विकसित करने का काम किया था, उसकी सराहना की गई। और सारे लोगों ने एक स्वर से कहा कि चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, और ये दोनों मिल करके अगर नौवीं सूची में उसको डलवा देता, या अभी भी पार्लियामेंट से पारित करा के, विधानसभा से पारित करा के, पार्लियामेंट से पारित करा के इसको नौवीं सूची में डाल देगा, ये सबसे सटीक इलाज होगा और आरक्षण लागू हो जाएगा। और जब तक ये लोग नहीं करता है, तब तक लोग अविश्वास का कारण ही लोग बनेंगे। और ये मत भूलिए कि लालू यादव, नीतीश कुमार और एक सुशील मोदी मर गए, ये तीनों एक ही के चट्टे बट्टे थे और एक थे, और एक मिलके आज 35 साल से ये तीनों मिलके, जिसमें एगो दुखद है कि नहीं रहे, ये तीनों मिलके जो चाहते हैं सो करते हैं। तो हम तो अफसोस जता रहे हैं, दुख हो रहा है कि अभी क्या हो गया है। लालू जी और नीतीश जी अगर मिल जाएं और इस बात की चर्चा एक सुर से कर दें कि इसको पार्लियामेंट से पारित करो, तो आपको चंद्रबाबू नायडू भी साथ देगा। और जब साथ दे देगा ये तीनों, मिल तो लालू जी को बता रहे हैं कि ये लोग अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, ये तो तीनों एक थे जब थे, लेकिन अभी तो आज भी लेकिन ये लोग बोलेगा नहीं, इसलिए नहीं बोलेगा कि एगो को बेटा को तिहाड़ जेल जाने से बचाना है और एगो को खुद तिहाड़ जेल जाने से बचाना है। बेटा को तिहाड़ जेल से क्यों बचाना है? बेटा तो ऐसा कुछ किया नहीं, किसी चीज़ में भागीदारी नहीं है। महोदय, ये अभी चुनाव में अंदरूनी भाजपा को मदद की है लालू यादव, भाजपा को अंदरूनी मदद की है, बेटा को जेल नहीं भेजे इसके चलते। ये सच है, आपको बता रहे हैं, सच्चाई है। ये बताइए सर कि तेजस्वी यादव ने ऐसा क्या गुनाह किया है कि उसे जेल? रेलवे वाला में जमीन अगर हमारे फादर ने, मेरे फादर ने अगर जमीन खरीद लिया मेरे नाम से,
तो जेल हम जाएंगे तो जेल जाएंगे नहीं, क्योंकि क्योंकि लालू यादव क्यों जेल गए थे? कोई बच्चा सर लालू यादव को जेल भेजा गया था क्योंकि वो ट्रेडी से पैसा निकालने गए थे क्या? मुख्यमंत्री थे इसलिए। तो उसी तरह से नीतीश भी जाएंगे ना, और बेटा इसलिए जाएगा कि बाप जो गलत किया था बेटे के लिए ना किया, बेटा के नाम से ना है। नीतीश कुमार जी ने क्या गुनाह कर दिया? नीतीश कुमार जी ने क्या गुनाह? अभी तो 10 से 12 फाइल तो मैं जानता हूँ, मैं एक पत्रकार भी हूँ विजय ध्वज का, बता दे रहे हैं 25 साल से जी जी, और कांग्रेस का सीनियर लीडर है, समाज के सीनियर लीडर हम हैं 32 साल से। तो हम जानते हैं ध्वज में फहराया नहीं उसको? किसको? 10 से 20 फाइल जो जान रहा। अब देखिए राजनीति करते हैं ना, राजनीति करते हैं ना। लालू यादव जी को हटाने के लिए हटाना दिए सकनी जो थे, पूछ लीजिए कभी मौका मिलेगा तो हटा दिए कह के, और फिर इनको लाए हैं तो लालू यादव के डर से लोग जो है नीतीश कुमार को रखे हुए, और हमारा भी समर्थन उसी में इसलिए। और आप देखते हैं कि लालू यादव क्या नीतीश कुमार हमारे कांग्रेस का तो ब्राहिल है नहीं सब, इसे तो कांग्रेस का ब्राहिल है, कभी नीतीश ब्राहिल बनता था अभी भाजपा का ब्राहिल है, लालू यादव मेरा ब्राहिल है, लेकिन ये OBC के दुश्मन है, ये यादव के नेता भी नहीं है। OBC के दुश्मन है ये। नीतीश कुमार की बात करें, OBC का दुश्मन आप बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं हम ही लाए दोनों को, तो आप फिर रखे क्यों हैं? हम लोग लाए दोनों को, जब देखिए ये लालू यादव जी को क्यों लाया गया था? लालू यादव जी के बात छोड़िए, जो है कुर्सी पर उसकी बात करिए। जाएंगे ना, एक पर तो कट गया है ना, यही 24 में जाएंगे ना, यही 25 के चुनाव में जाएंगे, कहीं के नीतीश कुमार कहीं के नहीं रहेंगे, ये सत्ता से बाहर होंगे और भाजपा खुद सरकार बनाएगी। फाइल खोलेंगे आप उनका? निश्चित खुलेगा, निश्चित खुलेगा, जरा सा उसको जाने दीजिए ना, और ऊपर जाने देर किस बात की, आज ही खोल दीजिए। नहीं आज देखिए सब चीज एक बार नहीं खुलती है ना, इसका मतलब आप भी दुश्मन है OBC के? नहीं, हम दुश्मन नहीं, हम तो आप दुश्मन नहीं कैसे हैं? आप अगर फाइल रखे हुए हैं, चीजों को जानते हैं और कह रहे हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, नहीं इसलिए नहीं खुलेगा कि बता रहे आपको जो बिहार में जो स्थिति अभी है, लालू यादव नेतृत्व परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, बेटे के मुंह में अंधा भेल है, समझ गए? अब लालू यादव पे हम कह रहे हैं, आप नीतीश जी की बात की 10 से 12 फाइल मेरे यादव उनका है, हाँ, है ये है, तो आप क्यों नहीं खोलते? इसका मतलब आप भी बिहार से महोदय वो डरे गए हैं, गद्दारी कर रहे हैं, इस बार जो भाग के गए हैं डरे गए हैं, वो छोड़िए आप क्या कर रहे हैं? समय पर खोल दें आप, क्या समय आने दीजिए खोल देंगे, आप क्या कर रहे हैं? समय आने दीजिए, गद्दारी ही कर रहे हैं ना, समय आ रहा है खोल देंगे, समय आने दीजिए, थोड़ा समय का इंतजार करिए, आने वाला समय आया हुआ है अभी, नहीं वक्त अभी नहीं आया, पूरा वक्त नहीं आया, वक्त नहीं आया, जब वक्त आने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तब वक्त आने दीजिए, 9वीं सूची में अगर ये लोग डलवा लेते हैं तब भी जेल जाएंगे नीतीश, और नहीं डलवा अलग मुद्दा है। अरुण जी पटना हाई कोर्ट के वकील हैं सर, जो अगर फाइल ये रखे हुए हैं तो ये तो गलत बयान ही कर रहे हैं कि हम नीतीश जी को कभी भी ये कर सकते हैं। 10 से 12 फाइल उनका भाजपा का आई भी रख ले। हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर समाज हित में काम करता है तब तो उसका समाज साथ देगा, लेकिन अगर समाज हित में काम नहीं करता है तो समाज उसका खिलाफत भी करना जानता है, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े से बड़े। और इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि कौन नेता अच्छा है कौन खराब है, ये जनता तय करती है, चुनाव में तय होता है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राय चलता है, लेकिन इतना जरूर है कि आज के दिन में गेंद नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है, वो 65% आरक्षण को चाहें तो कल ही बचा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तो कल ही ख़त्म भी करवा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से पक्ष में फैसला आने का उम्मीद नहीं है। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि आज BP मंडल जी का जन्मदिन है, और इस खास मौके पर पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं शोध संस्थान में एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन सेवा बिहार ने किया है, और इसके वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश पाल हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। दिनेश जी, आज यहाँ आरक्षण पे तो बात हो ही रही है, इसके अलावा नेपथ्य के नायक खंड 2 का विमोचन भी किया गया है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए नेपथ्य के नायक भाग 1 पहले आ चुका था, आज भाग 2 का लोकार्पण हुआ है, साथ ही एक सामाजिक न्याय का घोषणा पत्र जो किताब है लगभग 56 पृष्ठ के, उसका भी लोकार्पण हुआ है, जिसमें हम आरक्षण का इतिहास उसमें पूरा रेखांकित किए हुए हैं, और BP साहब की जीवनी को भी वहाँ रखा गया है। यह जो OBC समाज है, जो बिहार में BC1 BC2 है, उसको महापुरुषों का उसमें एक संघर्ष गाथा है, वो अपने संग महापुरुषों के नायकों के
जो संघर्ष है उनकी दास्तान को पढ़ें, जानें और उनकी विचारधारा और उनके मार्गदर्शन जो किए थे उस पर आगे बढ़ते हुए वो अपनी भागीदारी के लिए लड़ें। इसलिए आज इस अवसर पे हम पूरे बिहार से देश के कई राज्यों से भी लोग आए हुए हैं और ओबीसी के लोग हैं इसमें, तो बीपी मंडल साहब की जयंती के अवसर पर जो बची हुई अनुशंसाएँ हैं उसे लागू करने के लिए और जाति जनगणना की पुरजोर मांग के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है। और जो बिहार के में 65% आरक्षण जो बढ़ाया गया था जिसे कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने रद्द किया उसके वो नवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं और हम लोग पुरजोर मांग करते रहेंगे। उसके लिए अगर सड़क पर उतरना पड़ेगा तो भी उतरा जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ बिहार वेटनरी कॉलेज में प्रोफेसर रविकांत निराला जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि ये प्रोफेसर तो हैं ही, इसके साथ साथ सामाजिक सरोकार में गहरी रुचि रखते हैं, पाठ रखते हैं। यही वजह है कि जहां भी सामाजिक सरोकार से जुड़े काम देखे जाते हैं निराला सर मौजूद रहते हैं। निराला सर ये बताएं कि जिस तरह से आज जो है समीक्षा की जा रही है आरक्षण की, खास करके जो मतलब पटना में जो बिहार में आरक्षण का विस्तार किया गया फिर उस पर कोर्ट की रोक लगाई गई, तो उसका संवैधानिक उपचार आप लोग ढूंढ रहे हैं और नेपथ्य के नायक पार्ट टू का विमोचन भी किया गया है, तो क्या कहना चाहते हैं आप लोग की डिमांड क्या है? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत में कई कास्ट और कई कम्युनिटीज के लोग रहते हैं और इसमें जो पिछड़े दलित और लैगार्ड सेक्शन के सोसाइटी हैं उनके लिए स्पेशल रिड्रेसल मेकनिज़म की व्यवस्था की गई है, जिसमें मंडल आयोग और मंडल कमीशन की रिपोर्ट जारी की गई जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% रिजर्वेशन दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बिहार में जो सेंसस हुआ, सर्वे हुआ, सेंसस तो अभी नहीं हुआ है, इसमें 63% OBC का पॉपुलेशन आंका गया है और उनके लिए 65% रिजर्वेशन दी गई है, 10% पहले से ही रिजर्वेशन था। कुल बिहार में 75% रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। रिजर्वेशन के बारे में आमतौर पर लोग समझते हैं कि इकोनॉमिक इमेंसिपेशन की व्यवस्था है या रोजगार की सुविधा, नहीं, एक सोशल जो डिप्राइव्ड सेक्शंस है सोशल पार्टिसिपेशंस की व्यवस्था की गई है और वो डिग्निटी के साथ ज़िंदगी जी सके इसके लिए व्यवस्था की गई है। EV रामास्वामी का जो डिसीजन था उसको आज चैलेंज किया गया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि SC ST एक वर्ग है और एक होलिस्टिक व्यवस्था है जिसमें खंड नहीं किया जा सकता है और उसको तोड़ने की जो कोशिश की गई है क्रीमी लेयर पर, वैसे OBC में भी क्रीमी लेयर लगाकर इसको यूनिटी को तोड़ने की व्यवस्था की गई है और ये व्यवस्था नहीं बल्कि कोर्ट का जजमेंट है। कोर्ट हमेशा ही जो जजमेंट दिया है, आप पिछले 8-10 साल में जो देखेंगे इंडिया में ही, अभी हम देख रहे हैं मणिपुर का जो सिचुएशन हुआ उसमें भी कोर्ट का ही हस्तक्षेप है। बांग्लादेश में भी देखें रिजर्वेशन की जो व्यवस्था की गई 56% रिजर्वेशन है उसको भी खंडित करने की कोशिश की गई, वो भी कोर्ट का ही मामला था कि फिर से रिजर्वेशन वहाँ जो मुक्ति वाहिनी के थे उसको कर दिया गया जबकि सबों के रिजर्वेशन देना चाहिए। तो भारत में ही ऐसा ही एक कोर्ट एक पार्टी के रूप में रहा है। नेहरू जी के समय भी जो लैंडलॉर्डशिप खत्म एबोल्यूशन बिल लाया गया था उसमें जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था उसको भी रोकने की कोशिश की गई, तो इसके लिए आर्टिकल शेड्यूल 9 की व्यवस्था की गई है और आज ये भी डिमांड हो रहा है कि शेड्यूल 9 में ही रिजर्वेशन के संबंधित जितने कानून हैं उनको रख दिया ताकि जो जुडिशियल उसमें रिव्यू ना हो सके। जुडिशियरी में रिप्रेजेंटेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम जो सभी एजेंसीज में सभी इंस्टीट्यूशंस में नौकरियों में शिक्षा में रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मेरे तो समझ से सबसे ज़रूरी है जुडिशियरी में कि अगर 85% OBC का पॉपुलेशन SC ST का पासमानदा और जितने माइनॉरिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जुडिशियरी में हो जाए तो सभी जो रिड्रेसल मेकेनिज़म है वहीं से इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और आज जो कई तरह के एट्रोसिटीज हो रहा है, एक्सप्लाइटेशन हो रहा है और हकमारी हो रही है ये सब वहां से ख़त्म हो जाएगा, इसलिए एक आवाज़ के साथ हमें जुडिशियरी में रिजर्वेशन की मांग करनी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ
पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता और सोशल जस्टिस आर्मी के नेता कर्ताधर्ता गौतम आनंद मौजूद हैं। आइए गौतम आनंद से जानते हैं कि मंडल मसीहा को लेकर इनका क्या कहना है। आज यहाँ जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में बीपी मंडल साहब जी को लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है। आरक्षण पर कहा जा रहा है कि कोर्ट ने कुटाराघात किया है, तमाम तरह की बातें की जा रही है। नेपथ्य के नायक पार्ट टू का जो है विमोचन हुआ, क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वप्रथम इस आयोजन के लिए अरुण नारायण जी जो नेपथ्य के नायक के लेखक हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, और सामाजिक न्याय का एजेंडा जो एक पुस्तक सेवा के माध्यम से आई है उसके भी जो लेखक हैं राकेश जी उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। और जहां तक बात है सामाजिक न्याय का, माननीय बीपी मंडल साहब की जयंती का और जो आज के विमर्श का टॉपिक है जो बढ़ाए गए आरक्षण पे कोर्ट द्वारा कुठाराघात, तो यह आज का सवाल नहीं है आरक्षण के ऊपर कोर्ट का कुठाराघात। माननीय बीपी मंडल साहब जिस द्वितीय पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने थे और पूरे देश में घूम करके उन्होंने जो सर्वे किया था और जिस आधार पे उन्होंने 3000 से प्लस जातियों को एकीकृत करके ओबीसी का दर्जा दिया गया था जिस मंडल कमीशन आयोग के तहत, और उसमें सर्वे का आधार था सामाजिक पिछड़ापन, शैक्षणिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन। मंडल कमीशन एक तो लागू होने में जो भी सरकारें थी कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने इनको ठंडे बस्ते में रखने का प्रयास किया। आज बीपी मंडल का जन्मदिन है और इस खास मौके पर पटना के जगजीवन राम संसदीय अध्ययन एवं राजनीतिक शोध संस्थान में कार्यक्रम रखा गया है, और ख़ास करके हम आपको बता दें कि यहाँ जो कोर्ट के जरिए आरक्षण पर रोक लगाई गई है उसको लेकर काफ़ी गहमागहमी है, लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एक नेताजी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूरज यादव हुआ, हम समाजवादी छात्र सभा का प्रदेश अध्यक्ष हैं। जी जी जी, अखिलेश यादव जैसे लग भी रहे हैं। ये बताइए कि मतलब क्या कुछ आप लोगों ने आज यहाँ किया? क्या आज बीपी मंडल पिछड़ों के मसीहा, पिछड़ों के नायक बीपी मंडल जी का जन्मदिन था, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और मैं बीपी मंडल के विचारों को पीडीएम में नहीं देखता हूँ। जो बीपी मंडल साहब का विचार था, आज हमारा दल समाजवादी पार्टी उसके विचारों पर चल रही है, और इनके सपने जो मंडल कमीशन के पूर्ण सिफारिशें थी उसके लिए हम लोग लागू करवाने के लिए पार्लियामेंट में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव इस आवाज़ को उठा रहे हैं, इसके लिए प्रतिबद्ध है, और समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए तत्पर है, सदैव तैयार है, और आगे किया है फिर आगे करते रहेगा। बहुत धन्यवाद।